रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 एग्जाम एनलिस में आप सभी का अभिनंदन है जी मैं तो टुडे यानी कि 14 सितंबर को हुए प्रथम द्वितीय एवं तृतीय तो तीनों ही शिफ्टों में प्रश्न जो पूछे गए हैं सामान्य विज्ञान के विद्यार्थियों के तरह जो बताए गए उन सभी प्रश्नों का संकलन टुडे की वीडियो में रहने वाला में तो जी हाँ तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेलाइकन उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम एवं अन्य कम्पटिशन एग्जाम की आपकी तैयारी बनी रहेगी और यदि आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो एग्जाम एनालिस आप कंप्लीट देखें जिससे कि आप पैटर्न को समझ सकें और आने वाली शिफ्टों में आप बेहतर अपना स्कोर बना सकें विभिन्न विभिन्न सब्जेक्ट में तो जी हाँ तो टुडे तो की वीडियो को हम आराम करते हैं जिसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं इसमें से प्रथम था पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है यानी कि यहाँ से आपका आंसर छोटी आंत हो जाएगा नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था रेटिना पर वस्तु का प्रतिम बनता है वो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है तो ये आप ऑप्शन में लगा कर आए हैं नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था गति का द्वितीय समीकरण का संबंध है यानी गति का जो द्वितीय समीकरण है उसका संबंध किससे है तो गति के द्वितीय समीकरण का संबंध जो है स्थिति समय से है और जो द्वितीय समीकरण होता है वो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर होता है ये ध्यान रखेंगे नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था किसी लेंस की क्षमता होती है तो किसी लेंस की क्षमता जो होती है लेंस की फोकस दूरी के व्युतक्रम के बराबर होती है ठीक है और इसे मापते हैं तो डायप्टर में यानी कि डी से डिनोट करते हैं लेंस की क्षमता को ये चीजें आप ध्यान रखेंगे आने वाले सिप्टम में पूछा जा सकता है यदि वेग को दोगुना कर दिया जाता है तो संवेग तथा गतिज ऊर्जा कितने गुने बढ़ जाएगी यदि वेग को दुगुना किया जाता है तो ये प्रश्न जो पूछा गया था तो संवेग जो हो जाएगा वो दुगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा जो है वो चार गुनी हो जाएगी ठीक है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो तीन इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकंड यहां से आंसर हो जाएगा नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो सूर्य को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो हेलियोस्कोप होता है यानी कि हेलियोस्कोप द्वारा सूर्य को देखा जाता है तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था दूरदृष्टि रोग से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिमा कहाँ पर बनता है यानी कोई व्यक्ति है यदि उसे दूरदृष्टि रोग है तो उस व्यक्ति के की पर रेटना के पीछे बनेगा तो यहाँ से आपका आंसर रेटना के पीछे हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था वेवांतर की ऐसा ही इकाई है तो वेवांतर की जो ऐसा ही यूनिट होती है वो बोल्ट होती है तो यहाँ से आपका आंसर बोल्ट हो जाएगा नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था दो या दो से अधिक सेल का संयोजन क्या कहलाता है तो दो या दो से अधिक सेलों का जब संयोजन किया जाता है तो बैटरी का निर्माण होता है तो वो बैटरी कहलाती है यहाँ से आपका आंसर बैटरी हो जाएगा नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था ट्रांसफार्म किस सिद्धांत पर कार्य करता, का करता है तो जो ट्रांसफार्म का सिद्धांत है वो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर यह कार्य करता है तो यहाँ से आपका आंसर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था धरती से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा का क्या कहते हैं जो धरती से प्राप्त ऊष्मी ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है तो धरती से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा को भू ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है यहां से आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था चार एक जैसे प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समांतर श्रेणी में जुड़े हैं और प्रत्येक का प्रतिरोध आर है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा तो समांतर क्रम से पूछा गया प्रश्न ये था तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपका आर वाई फोर यानी आर बाईटी चार यहां से आंसर हो जाएगा नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था परमाणु तो का को आकार निर्धारित किया जाता है तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा परमाणु की त्रिज्या के द्वारा यानी कि परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मैग्नीशियम की संयोजकता होती है तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक बारह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे दो आठ दो तो इसकी संयोगता दो होती है ठीक है यहां से आपका आंसर दो हो जाएगा नेक्स्ट जो प्रश्न था कि यदि ऑक्सीजन के एक मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है तो ओजोन का अणुभार कितना होगा ओजोन का अणुभार पूछा गया था तो यहाँ से आपका आंसर 48 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा यानी ओजोन के अणुभार का जो मान है नेक्स्ट प्रश्न था प्रचुर मात्रा में ज्वलनशील उपलब्ध प्राकृतिक गैस है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है प्राकृतिक तो मीथेन गैस यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न था परमाणु संख्या सत्तावन के तत्व का संबंध है तो परमाणु संख्या सत्तावन के तत्व का जो संबंध होता है वो डी ब्लॉक से होता है यानी डी ब्लॉक के तत्व से होता है तो यहाँ से आपका आंसर डी ब्लॉक हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था आधुनिक आवर्त आवर्साड़ी में तत्व की धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है तो आधुनिक आवर्त आवर्साड़ी में धात्विक गुण जब बाएं से दाएं जाते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका धात्विक गुण जो है वो बढ़ जाता है तो यहाँ से आपका आंसर धात्विक गुण बढ़ता है जो आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौग को क्या कहते हैं तो प्रकृति में जो पाए जाने वाला धातु यौग है उसे खनिज कहा जाता है तो यहाँ से आपका आंसर खनिज हो जाएगा नेक्स्ट जो पूछा गया था ओ एल आई एफ और एस तत्वों में सबसे बड़ा अणु है इन चारों तत्वों में से सबसे बड़ा अणु पूछा गया था तो यहां से इसका आंसर एलाइुल यानी कि लिथियम हो जाएगा नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था आरेखित पेशियां होती हैं तो आरेखित पेशियां जो होती हैं वो एक कोश की होती हैं तो यहां से आपका आंसर एक कोश की हो जाएगा नेक्स्ट पूछा गया था विषाणु द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह को लेकर के तो जिस तरह आपके ऑप्शन में दिए थे यानी कि एड्स डेंगू पोलियो इन्फ्लुएंजा चेचक आदि जो आपके ऑप्शन में दिए होंगे जिस प्रकार आप उसे लगाकर आए होंगे नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था मेलियोडिस है तो मेलियोडिस क्या है एक संक्रामक रोग है तो यहाँ से आपका आंसर एक संक्रामक रोग हो जाएगा नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है तो पृथ्वी का जो जल चक्र है वो संचालित होता है सूर्य के द्वारा तो यहां से आपका आंसर सूर्य हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न था कौन से जल प्रदूषण मिन रोग के कारक होते हैं तो जल प्रदूषक जो थे मिथाइल और मर्करी जो कि मिन रोग के कारक होते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था वृक की संरचना संरचनात्मक इकाई है तो वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रोन होती है यहां से आपका आंसर नेफ्रोन हो जाएगा नेक्स्ट जो पूछा गया था राइबोसोम बनाते हैं तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था मानव में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा श्रावित होता है जो वृद्धि हार्मोन होता है तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि की अग्रस्त पीयूषिका के द्वारा वृद्धि हार्मोन श्रावित होता है मानव में नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की है तो यहां से इसका आंसर आपका चार्ल्स डार्विन हो जाएगा तो ये थे मित्रों यानी कि टुडे आज चौदह सितंबर के जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे जो कि विद्यार्थियों के द्वारा तो जितने बताए जा सके थे उन सभी प्रश्नों का संकलन टुडे की वीडियो में किया गया है आशा करते हैं टुडे की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को मोर देन लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेलवे ग्रुप भी अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी और रिविजन आपका बेहतर बना रहे में तो धन्यवाद